बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्लाह खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट में सारे रिपोर्टर्स जिस तरह जमा हुए हैं क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अहम मीटिंग चल रही है। और ये मीटिंग जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया है। काजी फैसल साहब बैठे हैं, सरदार तारिक मसूद साहब बैठे हुए हैं, एजाज़ुल अहसन साहब बैठे हुए हैं। सबसे अहम और बड़ा सवाल ये है कि क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं। आज की ये मीटिंग अब से कुछ देर पहले बाद तो इसकी खबर तो आपको आ जाएगी, लेकिन हो सकता है जब ये वीलॉग अपलोड हो रहा हो तब तक जो है वो अब तक खबर तो पहुँच चुकी हो, लेकिन बहरहाल हम इस वीलॉग में कुछ और जो है वो चीज़ों पर तजिया करने जा रहे हैं इलेक्शन के हवाले से ही कि इलेक्शन होने जा रहे हैं नहीं होने जा रहे हैं। कौन से सवाल इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पेश नज़र हैं, कौन से सवाल इस वक्त ऐसे हैं जो जो सुप्रीम कोर्ट के पेश नज़र हैं, कौन कौन से सवाल आते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस वक्त हम ज़रा कुछ लोगों से जानते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। समी इब्राहिम साहब सबसे पहले हमें दिखाई दे रहे हैं। समी साहब कैसे हैं आप? आपको एक तो बड़ी मुबारक हो, आपने बड़ा नया सामान उठाया हुआ है भाई। अब आप इतने पैसे YouTube से कमाने लग गए हैं कि ये लाखों रुपए की स्टेक आपने ले लिया भाई, माशाल्लाह। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, लोगों ने घर ले लिए नए और हमें नहीं बताया, तो हमने तो किराए पे लिया भाई, आप तो बना रहे हैं तो हमने तो सिर्फ एक GoPro लिया है। नहीं नहीं, जबरदस्त। बताए ना कि आपके ख्याल में इलेक्शन के इल्तवा के इम्कान, ख्याल तो बढ़ गया भाई, इधर ख्याल आती है, ख्याल श्याल कोई नहीं है, ये इधर तो हकीकत है, ख्याल तो बढ़ गया भाई। हकीकत ये है कि इलेक्शन वक्त पे हो रहा है। हकीकत ये है कि बड़े आदमी के मफादात के लिए अदालतें रात को खुल सकती हैं, गरीब का बच्चा मर जाए, गरीब बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान को आग लग जाए, ये अदालतें बंद रहेंगी सर। ये सिर्फ बड़े बंदे के मफाद के लिए खुलती नहीं, ये तो ये इलेक्शन तो अवाम के मफाद में ही ना, इसीलिए तो खुली। हाँ, सारे इलेक्शन अवामी मफाद में ही हुए हैं और सारे अवामी लीडर ही आए हैं, सही कह रहे हैं आप। ये अवामी मफाद ही है भाई। सर लेकिन बताएं ना, वन लाइनर, आपके ये एक्चुअली अब मैं पता नहीं, आप इसे ये हरामी मफाद है भाई, ये अवामी मफाद नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ। आप देख लें, आप एडिट तो हमने करना नहीं है, ये ऐसे ही चलेगा, तो ये देख लें कहीं डीमोनेटाइज ना हो जाए। चले, चले शुक्रिया, पैसे भी पूरे कर रहे हैं आप। थैंक यू। फहीम अख्तर साहब सर, वो जरा तो बताएं ना कि आप तो चूंकि इलेक्शन कमीशन भी कवर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद हैं, इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे? इलेक्शन सर मुझे तो मुश्किल से नजर आ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा डिले हो रहे हैं, मतलब थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा डिले होने का इम्कान है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा डिले हुए तो फिर रमज़ान शरीफ आ जाएगा। अच्छा। रमज़ान शरीफ आ जाएगा तो फिर आपको पता है मजहबी तबकात हमारे कहेंगे देखें हम रोज़े रखें या फिर इलेक्शंस की तैयारी करें, तो वो फिर महीना डेढ़ महीना मजीद आगे की तरफ चला जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। फौरी तौर पे जो मामला हमारे पेश नज़र है वो ये कि 5 रुकनी बेंच अब लाहौर में बन गया है, जस्टिस अली बाकर नदवी साहब ही उसकी सरबराही कर रहे हैं, तो उसने अब ये डिसाइड करना है कि आगे किस तरह से मामले, यानी वो नोटिफिकेशन तो मुअत्तल हो गया। अब आरओज़ अगर ज़िले इंतजामिया से नहीं आते और आरओज़ अगर आते हैं जुडिशरी से, उसमें कितने दिन लग सकते हैं? 3 से 4 घंटे अगर जुडिशरी से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये हुक्म दे दे के जो चारों हाई कोर्ट्स हैं या फिर पांचों जो हाई कोर्ट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जुडिशियल ऑफिसर्स फराहम कर दें, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 3 से 4 घंटे के अंदर उनको नोटिफाई कर सकता है और फिर 8 फरवरी को इलेक्शंस हो सकते हैं। ये एक वाहिद रास्ता है। बाकी अगर आप ये कहें कि ब्यूरोक्रेसी वाली जो रिटर्निंग ऑफिसर्स आप उन्हें अपॉइंट कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी कि चीफ जस्टिस साहब अगर ये हुक्म करा देते हैं, आज एमरजेंसी का बेंच अगर बना के ये हुक्म करा देते हैं, तब भी इलेक्शन जो है ना फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि 16 और 17 तारीख कट ऑफ डेट है, आखिरी डेडलाइन है इलेक्शन कमीशन ने जब उन्होंने शेड्यूल जारी करना है, 54 दिन का शेड्यूल जारी करना है और फिर ट्रेनिंग्स भी करनी है। अदलिया की ट्रेनिंग इतना बड़ा इशू नहीं होगा क्योंकि वो जानते हैं कानून क्या है, उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता, और जो सेशन जजेस होते हैं वो DRO बन जाते हैं और जो एडिशनल सेशन जजेस होते हैं वो उनको RO बना देते हैं, सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली के हलकों का, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। असल प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होना है कि क्या ये रिटर्निंग ऑफिसर जुडिशल ऑफिसर्स देने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं है। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये कहा जाएगा कि आप ऑफिशियली कोई रिक्वेस्ट भिजवाएं ताकि फिर हम इसको जल्दी से करवाएं। मुझे लगता है कि जुडिशल ऑफिसर्स देंगे देंगे और ठीक है तो चलें फिर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हो जाता है, इस वक्त जो मीटिंग बैठी हुई है उसका उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो क्यों बैठे हैं आपके ख्याल में? वो मेरे ख्याल में यही चीज़ पूछ रहे होंगे, क्यूरी कर रहे होंगे इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि आपको कितना वक्त लग सकता है,
जुडिशल ऑफिसर्स को अपॉइंट करने में। और देखिए एक कानूनी क्वेश्चन तो मौजूद है, जब लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर दिया रिटर्निंग ऑफिसर्स और DRO वाला, ठीक है, उसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आज 5 रुकनी बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। तो एक क्वेश्चन तो मतलब उसको चैलेंज करेंगे तो कैसे करेंगे जब एक चीज़ की समाहत ही नहीं हुई, वो बेंच तश्कील दिया गया है, बेंच को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? या तो फिर आज खुद जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं वो ख़त्म करें उस बेंच को, तब तो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ये अगर उसको चैलेंज करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में मुश्किल होगा। रास्ता दरमियान का यही निकलता है कि जुडिशल ऑफिसर्स फराम कर दिए जाएं और वो इलेक्शन कराएं। 3 से 4 घंटे इलेक्शन कमीशन को लगेंगे, जैसे वो लिस्टें आएंगी, लिस्टें ईमेल के थ्रू आएँ या फिर फैक्स के जरिए आएँ, इन्होंने जो सेशन जजेस हैं वो DRO अपॉइंट कर देना है, जो जुडिशल सेशन जजेस हैं उनको उन्होंने जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर कर देना है। ब्यूरोक्रेसी के लिए इलेक्शन कमीशन को काफ़ी तगड़ो करनी पड़ी थी क्योंकि उन्होंने न्यूट्रलिटी चेक करनी थी, बंदा कैसा है, कोई करप्शन एलिगेशन तो नहीं है, और इस वजह से उनकी जो तस्दीक का अमल है कमीशन ने काफ़ी अरसा लगाया। तो DRO के लिए जुडिशल ऑफिसर आते हैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होना। चलें, बहुत शुक्रिया फहीम साहब। फहीम साहब की बड़ी गहरी नज़र रहती है तमाम मामला पर, और अभी आप देख रहे हैं कि सब लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि यहाँ पर होने क्या जा रहा है। तो मैं सही जान साहब एक मिनट दें ज़रा ये बताएं कि ये बुनियादी तौर पे ये जो मीटिंग हो रही है इसके मुहरिकात क्या हुए हैं, क्यों चीफ जस्टिस साहब को लगा कि ये मीटिंग होनी चाहिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाना चाहिए और ये आज ही हल करना चाहिए इस मसले को? देखिए, मेरे ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब तो मुझे नहीं लगता कि वो इंटरेस्टेड थे इसमें। उसकी वजह यह है कि 10 दिन से पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा था कि चीज़ें, मतलब पता तो सबको ही था कि इलेक्शन नहीं होने और ये सारी चीज़ की जाएगी, लेकिन 10 दिन से तो बड़े ठोस शवाहद नज़र आ रहे थे कि इलेक्शन शेड्यूल नहीं आ रहा, इलेक्शन प्रोग्राम नहीं दिया जा रहा। 4 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर लिखा सेक्रेटरी दाखिला को, 7 तक जवाब आना था, वो नहीं आया, सारी चीज़ें। मुझे लगता है कि आज जो है वो जस्टिस एजाजुल अहसन साहब या दीगर किसी जज ने ये इनिशिएटिव की लिया है और उन्होंने जाके चीफ को कहा है कि भाई आप तो जा रहे हैं मज़े कर रहे हैं छुट्टियों पे, और आप जा रहे हैं छुट्टियों पे तो ये वाला मामला हो रहा है। तो उनको मुझे लगता है मजबूरन ही करना पड़ रहा है, क्योंकि ये भी इतलात आ रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के आने से पहले अंदर बड़ी गर्मा गर्मी हुई है जजेस के दरमियान। अच्छा। तो गर्मा गर्मी डेफिनेटली एजाजुल अहसन साहब और काजी फैसल के दरमियान ही होगी। सरदार तारिक मसूद साहब तो आंखें बंद करके काजी फैसल साहब के पीछे चलते हैं, उनकी गर्मा गर्मी नहीं हो सकती, वो तो एक पेज पे हैं काजी फैसल साहब, और वो जो भी करना है, जो भी मामला करना है, वो दोनों एक पेज पे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इनिशिएटिव एजाजुल अहसन साहब का होगा या किसी और जज का होगा, उससे जाके कहा होगा कि जनाब ये हो रहा है मुल्क के अंदर, आप मज़े में से जा रहे हैं, और देखिए ना उनको टेंशन ही कोई नहीं है। नहीं, आज तो फिर यूँ कह रहे हैं कि काजी फैसल साहब मजबूरी में बैठे हैं एजाजुल अहसन साहब के कहने की वजह से, तो फिर कंक्लूड कैसे होगा? फिर वो कंक्लूड करके उठेंगे इसको? देखिए, कंक्लूड वो कर भी दें तो फिर क्या होगा? उन्होंने अगर दबंग फैसला देना होता तो 8 फरवरी का ही दे देते, वो उसे मीडिया को रोक दिया उन्होंने। अच्छा, अब आप देखें ना मीडिया को क्यों रोका था, अब आपको आगे ही समझ। मीडिया को इसलिए रोका, अगर मीडिया को वो ना रोकते तो रोज़ाना बात होती, इलेक्शन प्रोग्राम नहीं आ रहा, वो फलानी चीज़ नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, एक दबाव बढ़ता, रिस्पॉन्ड करना पड़ता हुकूमत को, हुकूमती इदारों को, इलेक्शन कमीशन को। काजी साहब ने बिल्कुल मुँह बंद रखवाया मीडिया का, मीडिया पर बात नहीं हो रही थी, और सारी चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल ऐसे जकड़ दिया। अब आखिरी दिन आ गया और ये बम फट गया कि जनाब वो इलेक्शन शेड्यूल नहीं आया। अब अगर वो ना करते वो चीज़ तो रोज़ाना बात हो रही थी, आज से हफ्ता पहले माहौल बन गया होता, माहौल जब बन जाता कोई ना कोई पिटीशन लेके आ जाता। अच्छा, फर्ज करें आज की मीटिंग का कोई हल निकलना है, और हल जाहिर है यही कि 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होने हैं, अगर ये हल निकलना है तो फिर वो किस सूरत में निकल सकता है? कहाँ से आरओज आएंगे जो 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल भी मुकम्मल कराएं, आरओज की ट्रेनिंग भी हो जाए, इलेक्शन डिले भी ना हो, ये सब क्या मुमकिन कैसे हो पाएगा, इसकी सूरत क्या है? असदुल्लाह खान साहब, 8 फरवरी को सुबह 8 बजे जब तक पोलिंग स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन होंगे। ग्राउंड के ऊपर ऐसे वो हालात नहीं है, सूरत हाल नहीं है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। नवाज शरीफ को आपने क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया, ये नहीं है कि क्या क्या दिया, क्या नहीं दिया, सवाल ये है। उम्मीदवार जो टिकट लेने जा रहे हैं वो तक तो सरकारी गाड़ियों में जा रहे हैं, ठीक है, मीडिया पूरा उनको दिखा रहा है, इलेक्शन कमीशन हर वो फैसला कर रहा है जो उनके हक में जा रहा है, बल्ले का निशान आप ले रहे हैं, PTI का नाम नहीं लिया जा सकता, करप्ट तरीन बदतरीन लोग आपने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर लगा दिए, पूरा निज़ाम उसके गिर्द आपने खड़ा कर दिया, नवाज शरीफ के गिर्द हर चीज़ हो गई। उसके बावजूद भाई दिन ब दिन नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, उसके लिए कुछ चीज़ें बेहतर नहीं हो रही,
और दिन ब दिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है, जब इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है तो फिर आपको इलेक्शन कहाँ होगा मुझे नहीं लगता। बहुत शुक्रिया सदीक जान, बहुत शुक्रिया, अपलोड भी कर दें जल्दी। तो अगर सोहेल शी साहब दो मिनट देना जरा मुझे। सर सर पहले तो मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया नहीं, और सुप्रीम कोर्ट को कैसे पता चला कि इलेक्शन के हवाले से कोई मीटिंग होनी चाहिए या डिले हो सकते हैं, तो क्या आज की जो मीटिंग है ये बुनियादी तौर पर इसके मुहर्रिकात क्या हुए? इसके मुहर्रिकात सबसे पहले तो ये हुए कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो किसी तरह से जजेस के नोटिस में आ गया था चीफ जस्टिस साहब के, कि वो इस तरह का ऑर्डर पास हुआ है जिसमें सस्पेंड किया गया आर ओज की अपॉइंटमेंट्स को, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग भी रोक दिया उनकी और प्रोसेस रुक गया है, सोशल मीडिया पर भी चल रहा था। उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दो सीनियर जजेस की मीटिंग बुलाई है, और ज़राए का ऐसा कहना है कि उस मीटिंग में काफ़ी गर्मी सर्दी हुई है। जस्टिस एजाज़ुल अहसन और जस्टिस दार तारिक मसूद भी मौजूद थे। गालबन उसमें ये बात भी हुई होगी कि जब पहले लाहौर हाईकोर्ट में पेंडिंग मैटर उठा के 12 मई को इंतखाबात का कहा गया था, तो उस वक्त आप साहब ने सपोर्ट नहीं किया था, आपने कहा वही मामला चलना चाहिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर नहीं है, फुला नहीं है, बेंच छोटा है बड़ा है, तो अब देख लें कि अभी पेंडिंग है तो क्या करना है। तो उसमें खैर गर्मी सर्दी हुई उसके बाद, लेकिन तय ये पाया कि चीफ इलेक्शन कमीशनर को बुला लिया जाए। उनको बुलाया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने हाथ पूरे तो नहीं थोड़े से खड़े किए कि जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है इसमें अब 8 फरवरी आप साथ मिलेंगे तो हो सकता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कल तो ये फैसला किया था कि हमें सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं कर रहे, अभी जरूरत नहीं, हम उसको खुद मैनेज कर सकते हैं। जी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब उनसे क्वेश्चन हुए तो पता चला कि मैनेज तो नहीं हो सकते क्योंकि कट ऑफ डेट कल है शेड्यूल जारी करने की, और वो सस्पेंड कर रहे हैं ऑपरेशन। क्या ये मुमकिन है कि अगले 2 से 3 दिन में, अगर फर्स्ट के लिए जुडिशरी से भी आरओज आते हैं, डीआरओज आते हैं, तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर शेड्यूल को थोड़ा सा स्क्वीज करके कोई 50 दिन का या 48 दिन का शेड्यूल स्क्वीज नहीं होगा? अच्छा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आज ही ऑर्डर हो जाता है कि लाहौर हाईकोर्ट का ऑर्डर सस्पेंड है तो शेड्यूल के मुताबिक ये कल जाके शेड्यूल जारी करें और उसके बाद केस को आगे बढ़ाएं, ये बढ़ा सकते हैं इलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट से लाहौर हाईकोर्ट का वो ऑर्डर सस्पेंड होना बड़ा जरूरी है। आपके ख्याल में आज की जो मीटिंग है ये बुनियादी तौर पर 8 तारीख को इलेक्शन कराने के हवाले से 100% उसी से मुतालिक है, लाहौर हाईकोर्ट के ऑर्डर से मुतालिक है, 8 तारीख को इलेक्शन कराने से कमिटमेंट जो है कोर्ट की और अपने ऑर्डर में जो लिखा हुआ है पत्थर पर लकीर वाली लाइन, उसको वाकई पत्थर पर लकीर बनाने के लिए तमाम चूंकि बड़े इस हवाले से जितने जो मुतलिका लोग हैं वो अगर सर जोड़ के बैठे हैं तो इसका मतलब है कि इस बात के इम्कान हैं कि वो 8 तारीख के को इलेक्शन के नकाद को यकीनी बनाने के हवाले से कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। देखें सिचुएशन ये है कि कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान रुखसत पर जा रहे हैं और उनकी जगह कायम काम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद होंगे, कल उनकी ओवर टेकिंग है, बाकी कई जजेस भी दस्तियाब नहीं है, सर्दियों की छुट्टियाँ कल से स्टार्ट हो रही हैं, आज लास्ट वर्किंग डे है, ऐसे इस वक्त जाके ये सिचुएशन पैदा हुई है और चीफ जस्टिस ने जाने से पहले ज़रूरी समझा कि एक दफ़ा इस चीज़ को देख लें, ऐसा ना हो 2 हफ्ते बाद आएँ तो सिचुएशन निकल चुकी हो, इसलिए उन्होंने जाने से पहले इस चीज़ को टेकअप कर लिया है। अब बेंच कौन सा तश्कील पाएगा, कैसे पाएगा, क्योंकि अभी तक ज़राए का ये कहना है कि सो मोटो नहीं हो रहा, अपील आ रही है, इलेक्शन कमीशन अपील आप लाने पे रजामंद है कि वो लाहौर हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करेगा, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट का भी कोई ऑर्डर है जिसमें हल्काबंदियों से मुतल कोई ऑर्डर है, तो इसको उनको चैलेंज किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन को ये पूरी श्योरिटी दी जाएगी कि आपका काम है इलेक्शन कराना, आपने जिधर से भी आरोप लिए हुए थे, जहाँ भी आपका प्रोसेस रुका हुआ था लाहौर हाईकोर्ट के ऑर्डर से पहले, वहीं से आप उसको कंटिन्यू करें और इलेक्शन 8 फरवरी को करवाएं। ये एक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आने का इम्कान है, दरख्वास्त अगर अभी आ जाती है तो कोर्ट आज ही लगेगी, ये कंफर्म है कि रात को अदालत खुली थी 2 अप्रैल 2022 को सही, और रात को अदालत खुल रही है 15 दिसंबर 2023 को सही है। उस वक्त आइन के तहत एक उस पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे अमल कराना था, अब आइन के मुताबिक इलेक्शन तो आइन पे अमल करने के लिए अदालतों को रात को खुलना पड़ रहा है, तो बस देख लें। चलें अगर आइन पे अमल हो जाए रात को अदालतें खुलने से तो मेरा ख्याल है ये तो अच्छी बात ही होगी। डेफिनेटली चलें, बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये जनाब सूरत हाल इस वक्त है, रात हो गई है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर तमाम साफी मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अंदर से क्या निकलता है, क्या सूरत हाल निकलते हैं। मैं ये टकरा गए हैं वापस में, असदुल्ला ने नई गोप्रो खरीदी है और उसके नज़ारे दिखा रहा है, सब सारे यूट्यूबर इसे मुतासर कर दिए।
जुल्कुरनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताएं ना कि क्या चल रहा है अंदर, क्या चल रहा है पहले बताएं। देखिए अंदर तो ये चल रहा है कि तीन रुकनी जो जजेस की कमेटी है उसके दरमियान बड़ी हीटेड किस्म की डिबेट हुई और वो आधा एक घंटा हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ये मामला चले। जैसे सजादुल हसन खासतौर पर बड़े वोकल थे इस मामले में और इंतखाबात के हवाले से बात हुई, उन्होंने पुराना मामला हमारे ज़राए बता रहे हैं कि छेड़ा कि जब पहले ये कहा गया था कि हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है तो किस अंदाज में मुदाखलत पहले नहीं हो सकती तो अब कैसे जायज़ हो जाएगी, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने अपने कंसर्न शो किए। तो अलबत्ता फिर तय ये पाया कि क्योंकि मसला ये है कि इंतखाबात करवाने हैं और ऑलरेडी डिले हो चुका है तो अब तायुन बजाय इस लड़ाई में पड़ जाएँ कि जी किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, जो अभी हो रहा है जो टाइम दिया गया 8 फरवरी को उसको इंतखाबात करवाए जाएँ। इसके लिए फिर बजाय ये सुप्रीम कोर्ट इस टाइम गोइयों में पड़ती है, अंदाजे लगाती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या मीडिया रिपोर्ट्स पे चलती, फैसला ये किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया जो उनको बुलाकर पूछा जाए। फिर चीफ जस्टिस ऑफिस से एक पैगाम गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और वो फौरी तौर पर यहाँ पहुँच गए। फिर उनके साथ बड़ी एक तवील सिटिंग को 2 घंटे से जायद की तकरीबन अभी जारी है, वो बीच में उसकी एक दो ब्रेक्स भी छोटी छोटी सी आई हैं, अलबत्ता वो मीटिंग अभी जारी है और उसमें आपके ख्याल में इसको ये ओपन कोर्ट में आएगा या ये ऐसे कंक्लूड हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ओपन कोर्ट में आएगा। देखिए अब क्योंकि हाई कोर्ट का एक जुडिशल ऑर्डर है जिसमें उन्होंने सस्पेंड किया हुआ है नोटिफिकेशन आरओज और डीआरओज का, वो जब तक इसके जो वीलॉग है उससे पता नहीं कायनात बदल जाएगी। मैं अपने और आपको बता दिया चाहिए उन्होंने कि एक बंदा कैमरा फड़ के अंदर से आप ही पड़ जाएंगे, ये कहां से आप नहीं इसलिए इसलिए हमने महंगा कैमरा खरीदा है ताकि ये ताना ना पड़े। मैं असली वाले चैनल पे पेपर दे दूं फिर मैं आपसे बात करूं। चलें ठीक है जी, बिल्कुल सही है। करें सर क्या समझते हैं आप? नहीं पहले बताएं आपने मेरे सवाल का जवाब देना है या मैंने आपके सवाल का जवाब देना है? चलें मैं आपसे और आप मुझसे। नहीं फिर पहले आप प्लीज 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 आप बताएं कि आप कवर कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं आप तो सारे दिन अदालतों के बाहर होते हैं। देखिए आज फिर से वही लग रहा है कि दोबारा से रात को अदालत लगेगी क्योंकि अगर आज रात में ये मैटर सॉल्व नहीं होता तो इशू इस तरफ जा रहा है कि कल से चीफ जस्टिस का आज रात को अदालत लगेगी, मुझे लगता है लगेगी। अच्छा। क्योंकि एक पटिशन आएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलदम करार देने के लिए और उसका तरीका यही है कि आज रात को ही अदालत लगे, अभी फैसला हो रात को अदालत लगे वो नोटिफिकेशन कलदम करार दे दिया जाए या फिर कल के लिए कुछ स्पेशल बेंच बने। लेकिन मसला ये है लाहौर हाई कोर्ट में भी तो मामला पेंडिंग हो गया ना, वहाँ में ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ बेंच बन चुका है 5 रुकनी बेंच जिसको जिसकी समाअत 18 तारीख को होगी, उसके बावजूद यहाँ से ये इस चीज़ का सामने आना, क्योंकि एक चीज़ है डीआरओज का जो नोटिफिकेशन है वो कलदम करार दिया जा चुका है, उसको यहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है, वो बेंच 18 को समाप्त करे उससे पहले यहाँ पे ये मामला मुमकिन है। जल्दी क्यों की जा रही है? कल से काजी फाइज इसा साहब छुट्टियों पे जा रहे हैं और एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है सरदार तारिक मसूद साहब वो सुबह हल्फ लेंगे, ठीक है, तो 2 रुकनी जो कमेटी होगी उसके बारे उसका भी फैसला जो है जो उन्होंने करना है बेंच बनाना है ये फिक्स करना है मामला भी, और काजी फाइज इसा साहब आने तक जो क्यास आराइयाँ हैं वो तो आसमान को छू रही होंगी। इस वक्त हाल है सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम सब खड़े हुए हैं और सारे रिपोर्टर्स इंतजार कर रहे हैं कि अंदर की मीटिंग से क्या निकलता है। हो सकता है कि जब मैं जैसा शुरू में कहा था कि जब तक ये वी लोग अपलोड होगा तब तक हो सकता है कि अंदर से खबर तो आ चुकी हो, लेकिन मुख्तलिफ जो हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं सारा दिन अदालतों में रहते हैं और इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, तो बुनियादी तौर पर मैं चाह रहा था कि उनकी राय आप तक पहुँचे कि वो इस सारी सूरत में क्या सोच रहे हैं और हालात को किधर जाता हुआ देख रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।